सबसे पहला हापुस, उसके बाद पायरी, लालबाग, कोटापुरी, बादामी और उसके अलावा केसर। हे आज उद्या दोन दिवस चालतील खाले तरी आणि हे दोन दिवसाच्या नंतर वाशी एपीएमसी मंडी में रत्नागिरी उद्योगवर्ती अच्छी तरह से आम की आवक आ रही है और खाने भी अच्छा है और पहचानने के लिए अभी कर्नाटक का भी आम हापुस आ रहा है लेकिन उससे रत्नागिरी और हापुस का आम में मिठास अच्छी है और आवक भी वो हिसाब से ठीक है। अभी बाजार का लेवल भी वो हिसाब से कम हुआ है। सर्वसामान्य भी आम आदमी को खाने के लायक की स्थिति में अभी देवगढ़ हापुस और रत्नागिरी आम मिल सकता है। मेन तो हापुस जो चीज़ है वो हापुस के हिसाब से हापुस रत्नागिरी में होता है, देवगढ़ में होता है, कर्नाटक में भी होता है, गुजरात में भी होता है। हर आम का टेस्ट अलग है और हर आम का सुगंध अलग है और आम का आकार भी अलग है। कोई भी आम एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग आइटम है। आम के मंडी के अंदर कई सारे प्रकार है, जैसे कि इसको हापुस कहते हैं, हापुस आंबा, ये इसको फल का राजा बोलते हैं। इसको खाने में सबसे टेस्ट इसका ज्यादा आता है, सबसे आम में ये हापुस आम बोला जाता है, इसका टेस्ट सबसे ज्यादा रहता है। जूस में भी काम आता है, वैसे भी खा सकते हैं और खाने में बहुत मीठा रहता है। इसको फल का राजा कहते हैं इसको। ये ज्यादातर प्रोडक्शन इसका रत्नागिरी, देवगढ़ और कर्नाटक में ज्यादा होता है। इसके ज्यादातर अपने लोग ये पसंद करते हैं हापुस आंबा। इसके बाद में ये हमको पायरी बोला जाता है, जैसा कि इसका पहचान ये ऐसे ऐसे इसी तरह से होता है। इसकी पहचान पायरी की पहचान ये ऐसा रहता है, हापुस ये ऐसा होता है, पायरी का पहचान ऐसा रहता है। कई हम ये समझते, कई लोग ये समझते कि ये हापुस ही है, बाहर भी कोई लोग ऐसा ही बोल के हापुस बोलते, पायरी बोल के हापुस बोल के व्यापार करते हैं। इसके लिए इसको पायरी बोला जाता है। ये जूस के लिए, मतलब ज़्यादातर जूस के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में इसको बादामी आम बोला जाता है। ये कर्नाटक से आता है माल, जाता है कर्नाटक से माल आता है। ये भी खाने में बहुत टेस्टी रहता है लेकिन हापुस के सर का इतना टेस्ट नहीं है उसको। ये आम की जात तोतापुरी आम बोला जाता है इसको। ये भी ज्यादातर यूज में ज्यादा यूज होता है, इसका फल ज्यादा बनता है
खाने में भी ये है, लेकिन जितना हापुस का टेस्ट है उतना टेस्ट इसको नहीं है। एक बार खाना चालू होता फिर बंद नहीं होता, जब तक माल नहीं मिलते रहता खाते रहते।